कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर हर कोई नव आंखों से दे रहा श्रद्धांजलि। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, राजू बेहद जिंदा दिल इंसान थे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता विधेयक को मंजूरी देने से किया इनकार, संवैधानिक संकट को दिया न्योता। अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान, कांग्रेस में कोई भी दो पदों पर नहीं रह सकता। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर आए कोरोना के 4,510 नए मामले, कोविड की पॉजिटिविटी दर रही 1.33%। महिला T20 एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी, 7 अक्टूबर को होगा भारत पाक के बीच महामुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। हास्य जगत के मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स में आज अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। बता दें, अपने पीछे 2 बच्चों और पत्नी को छोड़ गए। कॉमेडी किंग के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं हास्य कलाकार के निधन पर देश के राजनीतिक दलों से लेकर फिल्म जगत के सितारों ने दुख व्यक्त किया है। जी नमस्कार, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। यकीन करना मुश्किल है, पिछले 1 घंटे तो मैं सोच भी नहीं पाया। पूरा महीना लोगों ने दुआएं की हैं राजू भाई के लिए, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, और सारी दुआएं ईश्वर तक पहुंची, मगर राजू भाई हमारे बीच नहीं आ पाए। ये बहुत दुख की बात है। 17 साल लगभग हम लोगों का साथ रहा। 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मिठास बढ़ती गई उनके और हमारे परिवार के बीच। मेरे बहुत सारे आइटम उनको पसंद थे, उनकी बहुत सारी चीजें मुझे। गजोदर ने तो पूरे दुनिया का ही दिल जीता, घर घर पहुंची उनकी ये स्टाइल। उसके बाद इन्होंने नकल की बेजान चीजों में जान भर दी। मुझे खास तौर पे ये आइटम बहुत पसंद थे। सोफा कहता है, भाई थोड़ा उठ जा, मेरे को सांस लेना है। क्या सोफा बोल सकता है? ट्रेन में पंखे क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं? गाय क्या सोचती, क्या बोलती? मछली कैसे चलती है? ये बेजान चीजों में जान डालना राजू भाई का काम था। राजू भाई ने हास्य की दुनिया में एक नया आयाम दिया और हास्य का स्तर बहुत ऊपर तक ले गया। प्रिय राजू भाई, आपकी दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वाराणसी में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक 1 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। बता दें कि केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे तक राजघाट में गेज पर जलस्तर 66.13 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर में 1 सेंटीमीटर का बढ़ाव हुआ है, लिहाजा अगले 24 घंटे गंगा के स्तर होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि कुछ दिनों से यूपी के साथ एमपी और उत्तराखंड की बारिश से हुआ है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अफ्ताब हमारे साथ जरूर रहे। अफ्ताब, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? किस तरीके से लोग, प्रशासन अलर्ट है?
जी आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर में प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 66.13 जलस्तर नापा गया है। आपको बताते चले कि अभी गंगा जो है उतना खतरा नहीं है, फिलहाल स्थिति स्थिर दिख रही है, उतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अब तक प्रशासन की क्या क्या तैयारियां इसको लेकर? जी आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से निगरानी रख रही है, प्रशासन अब वहां पर जल पुलिस आयोग है जो वो भी पूरी तरीके से निगरानी रख रही है, और वहां पर आने जाने यात्रियों के लिए भी पूरी तरीके से वो प्रतिबंध कर दिया गया है। नौका चालक स्टार्टिंग हुआ था, फिर नौका चालक को भी अभी बंद कर दिया गया है, और प्रशासन पूरी तरीके से अपनी नजर को वहां पर जमाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आफताब। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सीएससी तमौर में आशा बहुओं को ई कवच प्रशिक्षण दिया गया और सभी आशाओं को मोबाइल पर पीएमजेएके ऐप डाउनलोड कराया गया। इस ऐप के माध्यम से आशाएं घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना सकेंगी। आपको बता दें कि इससे फायदा रहेगा कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे और लाभार्थी सीएससी पीएससी सहित प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। कानपुर के कार्डियोलॉजी के ऑडिटोरियम में एडवांस वेंटिलेटर को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिससे मरीज को और बेहतर इलाज मिल सके। वहीं सेमिनार में शहर भर के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हुए। इसके साथ ही कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर का कहना है कि प्रदेश भर में ये सेमिनार कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और ICU खोले जा रहे हैं। ऐसे में एडवांस वेंटिलेटर ऑपरेटर करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित स्टाफ होना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय ने जो कार्रवाई करते हुए बढ़ाया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज विकसित किया जा रहा है जिसमें ICU भी होगा, तो इतने ज़्यादा ICU की संख्या होने पर उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित मानव संसाधन की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसको पूरी तरीके से पूरा करने के लिए कमी को मानव संसाधन की एक इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित किया जाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि तो जो ये ICU के मरीज़ होते हैं वो किडनी के मरीज़ भी हो सकते हैं, फेफड़े के मरीज़ भी हो सकते हैं, हार्ट के मरीज़ भी हो सकते हैं। तो आज हमने अपने यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के सभी सीनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स को साथ लेकर और रामा मेडिकल कॉलेज के भी रेजिडेंट्स आए थे, रॉयल चेस्ट हॉस्पिटल के भी रेजिडेंट्स आए थे, रीजेंसी के भी डॉक्टर आए थे, तो काफ़ी सारे लोगों का करीब 60 से अधिक लोगों का इसमें प्रतिभाग हुआ। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, कानपुर में वेंटिलेटर सेमिनार का आयोजन किया गया है जिससे आम जनमानस को और सुविधा मिल सके, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी मैं बता दूं कि कानपुर के कार्डियोलॉजी में एडवांस वेंटिलेटर को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सके। वही सेमिनार में शहर भर के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया गया था और वेंटिलेटर को कैसे चलाना है और कैसे आगे चल के इसकी ज्ञान शिक्षा दी गई, ताकि जिससे जो भी वेंटिलेटर चलाने वाले या कोई स्टाफ होता है उसको अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी मिल सके, जिससे कि मरीज को अच्छे से और अच्छी जानकारी मिल सके और आगे की उसकी बीमारी में सहयोग हो। और इसके अलावा बता दूं कि जब विनय डॉक्टर विनय कृष्णा जो कि डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी के, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम आगे चल के इस चीज को लेकर पूरे देश भर में और पूरे राज्य भर में इस चीज की जानकारी लोगों से साझा करेंगे और सेमिनार जितने भी वेंटिलेटर को लेकर सेमिनार होंगे पूरे राज्य में जितने भी डॉक्टर्स हैं जितने भी स्टाफ हैं सभी को इसके बारे में बताया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। औरैया में यातायात के सुरक्षा और नियमों के तहत पुलिस अधीक्षक और COCT के निर्देशन में जिले में पुलिस ने पैदल गश्त की। इस दौरान COCT सुरेंद्रनाथ यादव ने नेशनल हाईवे पर निजी बसों को रोकने के लिए बनाई गई जगहों पर चेकिंग की। इस दौरान वहां पर सवारियां भरवाने के लिए खड़े एजेंटों से पूछताछ भी की, उनकी रसीद बुक को भी चेक किया। वहीं पुलिस ने बस के इंतजार में खड़े लोगों के टिकट चेक करते हुए उन्हें रोडवेज बस से यात्रा करने की सलाह दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दुकानों के अंदर भी जाकर जाँच पड़ताल की। पैदल गश्त तो साधन की मात्रा के हम लोग रूटीन से भी करते हैं। आज की पैदल गश्त में विशेष तौर पर हम लोगों ने अवैध बस स्टैंड, अवैध डेपो स्टैंड
और अवैध रूप से संचालित बसों और अन्य सवारी वाहनों को चेक किया गया और उनका चालान किया गया। जो लोग अवैध तरीके से चल रहे थे, बिना अनुमति के चल रहे थे, वार्निंग दी गई है कि आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा आप लोग अपने निर्धारित रूटों में और परमिट के हिसाब से चलें। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद, पुलिस ने पैदल गश्त किया है, निजी बसों की चेकिंग की है सुरक्षा को लेकर, और इसको लेकर और अधिक जानकारी क्या सामने आ रही है? जी रंजनी, आपको मैं बता दूं कि सरकार द्वारा निर्देश पर सुगम बनाए जाने को लेकर कल शाम को सीओ सिटी व पुलिस बल के साथ एक पैदल गश्त किया गया, जहाँ पर अवैध रूप से जो संचालित दुकानें खोले हुए थे उनके कई कट्टे भी पकड़े गए। और वहीं पर पुलिस को देखकर ऑलरेडी पहले ही से प्राइवेट जो स्लीपर बस के लिए खड़े रहते हैं वहां से भागते नजर आए हैं। वहीं उन लोगों से मिलकर बातचीत भी की, उनको एक नोटिस भी जारी किया कि अगर इस तरीके से संचालित आप दुकान करते हैं, इसका एक मानक पूरा चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ही आप लोग ये संचालित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक हनुमान मंदिर के पुजारी का गांव के ही लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। शाम कुंवर बटवारी है छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत कन्नौज जनपद में, इसमें गाटा संख्या 67 है जो हरिश्चंद्र के नाम पर दर्ज है और जला अभिलेख जले हुए हैं। इसमें गाजा संख्या 66 के लोग थे, उन्होंने इसे मंदिर बना हुआ है 67 नंबर में, उसे दलित पुजारी को भड़का कर वहाँ से भगाया, उसके पश्चात 67 नंबर में कब्जा कर लिया। एसडीएम छिबरामऊ की जानकारी में रहा, संज्ञान में मामला आ रहा, इसलिए हम लोग यहाँ यहाँ बैठे हैं कि उसकी विधिवत पैमाइश कराई जाए। जो गुंडे दबंग लोगों ने जमीन घेरी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे। गोंडा के कनैलगंज में प्राथमिक विद्यालय टेघना में शिक्षिका की बड़ी मनमानी सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि जातीय भेदभाव से ग्रस्त शिक्षिका ने अनुसूचित जाति के लड़की को विद्यालय में आने पर रोका। अपनी बेटी से हुए दुर्व्यवहार पर पक्षपात से क्षुब्ध होकर परिजनों ने जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर कोई कार्यवाही करते हैं या पीड़ित की शिकायत को अनदेखा कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। सजी 3 महीना से लगातार भगावत थी। के भगावत? कौन मैम? सजी जे हमारे क्लास में पढ़ावत थी। कौन मैम पढ़ाती है? पूजा। पूजा मैम 3 महीने से तुमको लगातार भगावत भगा देती है? हाँ। तो क्यों भगा देती है? खाते चमार जात का छोटे जात का हमने पढ़ेगे, चमार जात का छोटे जात का हमने पढ़ेगे, इसीलिए कह करके ये कह कर भगा देती है। अच्छा, कहते कि हम जबरदस्ती बैठे हुए तो हम तो कहा 2 महीने 3 में पढ़े, कहते हैं जबरदस्ती बैठे हुए तो 2-3 में पढ़े हुए। हाँ बोला कर। अच्छा, तो क्यों रो रही हो तुम? क्या है भैया मामला, क्या है मिटिया, क्यों रो रही है? नहीं बता पा रही, आप बताइए कुछ। सर ये आप डरती है थोड़ा, लेकिन ये इसको मैंने मैडम जी से जो कहा कि आप बच्चा क्यों भगा दिया जाता है, इसको बताया जाए, समझाया जाए, 15 दिन 10 दिन इसको बताया जाए, तो कहती हैं आपके बच्चे को हम पर्सनल नहीं बैठी हुई हैं, 6 घंटे मेरे होते हैं, 18 घंटे आपके होते हैं, और ज़्यादा 3-5 करोगे तो 100 नंबर बुलाएंगे। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, शिक्षिका की मनमानी सामने आई है जहां उन्होंने कहा कि अनुसूचित जात के बच्चों को वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी। जी नंदनी जी, बिल्कुल आपको बता दें कि ये पूरा मामला कानेलगंज तहसील क्षेत्र के टेघना गांव का है, जहां पे एक बच्चे को स्कूल गए, उसको अध्यापक ने इसको मना कर दिया, कही कि मैं अनुसूचित जात को नहीं पढ़ाऊंगा। इसके लिए जब अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, बहरहाल आईटी का अगर कोई शिकायत मिलती तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पे बीएसए अखिलेंद्र प्रताप से जायजा के लिए पहुंच गए हुए स्कूल में गए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल।
सोनभद्र में थाना चौबन पुलिस और एसओजी एवं स्वाट टीम के प्रयास से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 1.05 करोड़ की हीरोइन के साथ 5 महिलाओं समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि जिले में लगातार अपराधियों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जाएंगे। सोनभद्र में थाना चौपन पुलिस एसओजी की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने मेहनत करके एक 10 लोगों के गैंग को पकड़ा है। इसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, जो जनपद में और आसपास के जनपदों में मादक पदार्थ स्पेशली हीरोइन का अवैध धंधा करते हैं और सप्लाई देते हैं। नवयुवकों को भी ये लोग सप्लाई देते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी बिगड़ती है, नशे की आदी होती है। इस तरीके के गैंग को पकड़ा है। इनके पास से 1 किलो से ऊपर हीरोइन पुलिस ने बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.05 करोड़ रुपया है। बुलंदशहर में औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव में छोला छाप डॉक्टर ने महिला से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत महिला ने एसएसपी से की। जानकारी के मुताबिक इस घटना की शिकायत महिला पुलिस थाने में करने गई थी, लेकिन वहां पर डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। बता दें कि एसएसपी से भी महिला की शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर महिला अपना घर छोड़कर जाने को तैयार है। उसने मेरे साथ छेड़खानी बहुत बुरी तरह से करी थी। क्या नाम है डॉक्टर का? गुलाब डॉक्टर। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? गांव जनौरा। फिर शिकायत आपने की कहीं? हमने शिकायत की थाने में औरंगाबाद जी, वहां भी कोई सुनवाई नहीं करी। तो फिर आप अपना मकान क्यों बेचना चाह रहे हो? अब बेचना हम न चाह रहे हैं। हमारे लड़का को धमकी दी है कि तुझे जान से मार डालूंगा। इतने करने पे भी मेरी छाती भींच में खाटिया पे गेल ली उसने। इस तरीका से उसने मेरे संग बदतमीजी बहुत ज्यादा। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला से छेड़छाड़ की, इसके बाद महिला का रिपोर्ट भी नहीं दर्ज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जनपद औरंगाबाद क्षेत्र का मामला, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला को छेड़खानी की थी, जिसने महिला ने एसपी त्रिलोक कुमार के पास जाकर अपनी न्याय की गुहार लगाई। उसके बावजूद जो एसपी त्रिलोक कुमार ने आदेश किए थे मुकदमा दर्ज करने के, तो जो मतलब वो औरंगाबाद कोतवाल हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और आए दिन उस पीड़िता को आए दिन धमकी मिलती रहती है। इसी उसको लेकर उसकी पीड़िता अपने पलायन करने की उसमें लगी हुई है। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे तहसील तरब और कर्नैलगंज के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। जलमग्न सड़कों पर अब नाव दौड़ रही है। बता दें कि नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश के बाद घाघरा नदी में कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसी स्थिति में गोंडा जिले के कर्नैलगंज व तरबगंज तहसील के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीण की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संसाधन मुहैया कराने की बात कह रहा है। अयोध्या में सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर पहुंच गया है। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती की गई। जल पुलिस बोट से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोक रहे हैं। सुरक्षा घेरे में श्रद्धालुओं से स्नान कराने के लिए निवेदन न करने किया जा रहा है। कई जगहों पर निचले इलाकों में भी पानी घुस गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।